हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं आई के ऊपर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैश uh, मेमोरी के ऊपर मेनली देखा जाए तो हमने सारे कंपोनेंट्स हार्डवेयर में पढ़ लिए मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ कैबिनेट में पढ़ाया इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइजिज उसके अलावा कैबिनेट होता है कैबिनेट के अंदर हमने एस देख लिया हार्ड डिस्क देख लिया सी डी ड्राइव देख लिया और मदरबोर्ड के सारे कंपोनेंट्स देख लिए प्रोसेसरस देख लिया और बसेस भी हमने पढ़ ली कैश मेमोरीज भी पढ़ लिया एक स्पेशल चीज़ और प्रोसेसर की आती है आई आर क्यू इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्वेरी अभी जब आप आगे पढ़ेंगे ना कंप्यूटर के पार्ट्स में आपने एक हार्डवेयर का पार्ट देखा दूसरा सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर है तो अब नेक्स्ट हम सॉफ्टवेयर शुरू करने वाले हैं तो सॉफ्टवेयर uh, के पार्ट्स में हम देखेंगे कि हाँ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है सिस्टम uh, को यूज़ करने के लिए अब अपने अभी तक केवल कंपोनेंट्स देखे हैं ऑल दिस कंपोनेंट्स वर्क इन बाइनरी लैंग्वेज इसके बाद हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस देखते हैं कितनी लैंग्वेजेस होती हैं उसके बाद हम सॉफ्टवेयर पे आएंगे लेकिन इन सबसे पहले आई आर क्यू पढ़ते हैं आई आर क्यू क्या होता है जितने भी इनिशियल कंपोनेंट्स आपके सिस्टम में अटैच हैं कीबोर्ड माउस टाइमर क्लॉक टाइम ये सारी चीज़ें हैं ना मान लीजिए सिस्टम के पास सिस्टम कैसे प्रोसेसर कैसे काम कर रहा होता है एक स्टैक है पूरा पाइप की तरह से एक स्टैक पूरा काम कर रहा है ठीक है और उसमें एक तरह से सारे प्रोसेसेस इनपुट होते जा रहे हैं ओके okay, तो आ, कैसे काम करता है वो मैं आपको समझा रही थी कि मान लीजिए एक पाइप्स स्टैंड करिए ये प्रोसेसर के पास एक स्टैक लगा हुआ है जिसमें एक तरफ से प्रोसेस इन हो रहे हैं यहां से प्रोसेस क्या हो रहा है इन हो रहा है मान लीजिए इसमें आया पहले प्रोसेस प्रोसेस वन फिर प्रोसेस टू ऐसे स्टैग लगा हुआ है प्रॉपर का प्रोसेसिंग चल रही है सिस्टम के अंदर काम चल रहा है पूरा प्रोसेस लाइन में लगे हुए हैं पहले प्रोसेस वन रन होगा फिर प्रोसेस टू रन होगा फिर प्रोसेस थ्री रन होगा इसे इन मिड इंटरवल में मान लीजिए आपके सिस्टम में कोई इनिशियल कंपोनेंट काम करना बंद कर दिया मे बी एनीथिंग मान लीजिए रैम काम करना बंद कीबोर्ड बोर्ड बंद कर दिया क्लॉक टाइमर काम में करना बंद कर दिया तो प्रोसेस तो चल रहे हैं अब वो मान लीजिए कोई एरर आया वो एरर कहाँ इस स्टैक से इन होगा तो वो पहले क्या करेगा वो पहले P1 P2 P3 देखेगा तब इस एरर मैसेज पर आएगा यानी कि बिना उस इनिशियल कंपोनेंट के ये तीन प्रोसेसेस क्या रन कर सकते हैं नहीं रन कर सकते हैं तो इन प्रोसेसेस को मिड में इंटरप्ट करने के लिए उस इनिशियल कंपोनेंट्स के पास एक कोड होता है जिसे हम आई आर क्यू कहते हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्वेरी मैं आपको लिस्ट दिखाती हूं ये देखिए सिस्टम टाइमर का जीरो कीबोर्ड कंट्रोलर का वन मान लीजिए कीबोर्ड कंट्रोलर काम करना बंद कर दिया तो वो क्या करेगा वन वाली आई आर उस प्रोसेस पी वन पी टू पी थ्री प्रोसेस जो चल रहे हैं उसके मिड में ही उसको इंटरप्ट कर देगा उसको मिड में इंटरप्ट कर देगा कि ये प्रोसेस बीच में रुक जाएगा बीच में ही प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि कीबोर्ड कंट्रोलर काम करना बंद कर दिया तो वो एक पॉपअप मैसेज करेगा और इनिशियल स्टेप्स फॉलो करेगा दैट इज आई आर क्यू इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्वेरी विच यूज अ यूनिक आई डी देखिए मैंने सारे आई आर क्यू की लिस्ट दी हुई आई आर क्यू जीरो सिस्टम टाइमर के लिए वर्क करता है आई आर क्यू वन की बोर्ड कंट्रोलर के लिए ये सिस्टम का इंटरनल वर्क है आप ऊपर से नहीं कुछ कर रहे हो लेकिन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है वॉट इज आई आर क्यू तो आई आर क्यू स्टैंड्स फॉर इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्वेरी ल कंपोनेंट हैव अक आई आर क्यू नंबर जैसे आपसे पूछा गया वॉट इज आई आर क्यू जीरो इट वर्क फॉर द सिस्टम टाइमर वट इज आई आर क्यू वन इट इज अ फॉर द कीबोर्ड कंट्रोलर तो इस तरह से आपके सारे आई आर क्यू की ये लिस्ट है कि किस आई आर क्यू नंबर पर कौन सा इनिशियल कंपोनेंट काम कर रहा है और अगर वो कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपना एरर मैसेज किस प्रोसेसर को इसी आई आर क्यू के थ्रू देगा ताकि वो उसी बीच में प्रोसेस को रोक के आई आर क्यू सिक्स का एरर मैसेज आया तो प्रोसेसर को पता चल गया फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर में प्रॉब्लम है आई आर क्यू सेवन आया तो उसे पता चल गया फर्स्ट पैरेलल पोर्ट में कोई प्रॉब्लम है रियल टाइम क्लॉक में प्रॉब्लम आया आई आर क्यू एट तो ये आई आर क्यू यूनिक आईडीज होते हैं अपने सिस्टम के लिए ये पूरी लिस्ट है ये प्री डिफाइंड लिस्ट होती है आप इसे चेक भी कर सकते हो अपने सिस्टम की डिवाइस मैनेजर के प्रॉपर्टीज पे जाइए वहां पे आपको आई आर क्यू आई डी मिलेगी ओके आई आर क्यू क्लियर है बिल्कुल इंटरप्ट रिक्वेस्ट है ये पूरी लिस्ट बना लीजिए और इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्वेरी यूनिक आईडी फॉर ईच इनिशियल कंपोनेंट कंपोनेंट दैट कैन बी एक्सेस बाई कंपोनेंट टू इंटरप्ट द प्रोसेसर इन बिटवीन द प्रोसेस जो प्रोसेस रन कर रहा है उसके बीच में इंटरप्ट करने के लिए वो इस आई आर क्यू नंबर का यूज करता है जिसकी लिस्ट मैंने आपको अभी दिखा दी अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस देन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर अब हम बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज की सबसे पहले हम बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है लो लेवल लैंग्वेज मीन्स बाइंड्री लैंग्वेज यूज बाई द कंप्यूटर फॉर डेटा एंट्री इट हैव ओनली टू नंबर जीरो एंड वन जीरो मीन्स वॉट जीरो मीन्स लो वोल्टेज एंड वन मींस हाई वोल्टेज ऑल द डेटाज रिटेन इन अ हार्ड डिस्क फ्लॉप डिस्क और पेन ड्राइव इन द फॉर्मेट ऑफ जीरो एंड वन मीन्स जितने भी डेटा आप लिख रहे हो वो जीरो और वन की सीक्वेंस में जा रहे हैं जीरो जीरो वन 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 जीरो जीरो मीन्स जितना भी डेटा है सबकी कोडिंग है उनके पास उसको वो जीरो वन लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर उसको राइट right कर रहे हैं मैंने डिक्स और पिट हाइड डिस्क में आपको समझाया जीरो का मतलब फ्लैट और डिक का मतलब वन मतलब हाई वोल्टेज से गड्ढा कर दिया जिसे जीरो और वन के फॉर्मेट में लिख रहे हैं कंप्यूटर के पास हमने एक इलेक्ट्रिक पल्स ही तो दी है ना वो इलेक्ट्रिक पल्स जब वो लो कर देता है तो कहता है जीरो लिख रहा है और जब हाई कर लेता है तो कह रहा है वन लिख रहा है तो सारा डेटा जीरो और वन के फॉर्मेट में जा रहा है दूसरी लैंग्वेज आपकी होती है वो जो यूजर यूज कर रहा है यूजर कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा है हाई लेवल लैंग्वेज यूज कर रहा है वॉट इज द मीनिंग ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है यू इंग्लिश टाइप लैंग्वेज हम जब यूज कर रहे हैं सिस्टम को तो क्या लिख रहे हैं ओपन लोड सेव इसका मतलब क्या है ये इंग्लिश टाइप लैंग्वेज है या प्रोग्रामिंग के लिए आप यूज़ कर रहे हो सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन ऑल आर द हाई लेवल लैंग्वेज जस्ट ऐसा है जैसे मैं उर्दू बोल रही हूँ आप तेलुगु समझ रहे हो या आप तेलुगू बोल रहे हो मैं कन्नड़ में बात कर रही हूँ यानी हम दोनों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स uh, है वो अलग अलग है क्या हम एक दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते बट हाई लेवल लैंग्वेज इज इंग्लिश टाइप लैंग्वेज यूज बाई यूजर मैं कितना बड़ा कॉम्युनिकेशन गैप आपको दिखा रही हूं कि हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज में बात कर रहा है और हम जो ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं फिर भी हम कॉम्युनिकेशन कर पा रहे हैं कैसे कर पा रहे हैं यही आगे पढ़ना चाहते हैं तीसरी लैंग्वेज भी एक है पहले उसको भी देख लेते हैं तीसरी लैंग्वेज है आपकी असेंबली लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज क्या है मैन्युफैक्चरिंग की लैंग्वेज आपने कह दिया कि आप बात कर रहे हो इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में और जो कंप्यूटर बात कर रहा है वो किस में बात कर रहा है लो लेबल लैंग्वेज में लेकिन मैन्युफैक्चरर किस में बात कर रहे हैं ध्यान से सोचिए जब आपके पास सिस्टम आया आपने असेंबल करके उसे ऑन किया तो भी तो कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई आ रही थी वो इंफॉर्मेशन किस लैंग्वेज में लिखी गई क्योंकि उसमें कुछ कुछ तो हमें समझ में आता है कोडिंग जरूर होती है साथ में कुछ आ, कुछ चीजें हमें नहीं समझ में आती हैं चीजें हमें समझ में आती है मीन्स मैन्युफैक्चर लैंग्वेज क्या है मैन्युफैक्चर लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉरी इट इज combination of high level and low level language high level and low level language <laughs> तो असेंबली लैंग्वेज जो मैन्युफैक्चरर यूज कर रहे हैं वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर आपके मदरबोर्ड बायोर्स और इन सब में की जाती है लैंग्वेजेस तीन तरह की हो गई लो लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर यूज कर रहा है दैट इज द सिक्वेंस ऑफ जीरो एंड वन सेकेंड इज हाई लेवल लैंग्वेज जो यूजर यूज कर रहा है इंग्लिश टाइप लैंग्वेज और तीसरा है असेंबली लैंग्वेज जो मैन्युफैक्चरर यूज करते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज तीन क्लियर अब हम बात करते हैं मैंने आपको लैंग्वेजेस के बारे में बताया क्यों क्योंकि अगर मैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करूं तो मैं पहले दिन आपको पढ़ा चुकी हूं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कितने होते हैं तीन हार्डवेयर जिसके बारे में हम अभी तक पढ़ रहे थे दूसरा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मीन्स ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स विच कैन बी टच बट ऑल द हार्डवेयर वर्क इन लो लेवल लैंग्वेज एंड वी आर यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज सो देर इज अ डिफरेंस in user communication and system communication there is a communication gap actually <coughs> means computer work in low level language and यूजर वर्क इन हाई लेवल लैंग्वेज मान लीजिए मैं और आप बात कर रहे हैं मैं कन्नड़ में कुछ बोल रही हूं और आपको सिर्फ तमिल आती है वी नीड अ ट्रांसलेटर एक ट्रांसलेटर रख लेते हैं जो कन्नड़ को तमिल में तमिल को कन्नड़ में उर्दू को जिस भी लैंग्वेज में हम लोगों की एक दूसरे को एक्सचेंज करते रहे हैं. तो हम ये चीज हम आपकी इंफॉर्मेशन और आप हमारी इंफॉर्मेशन समझ लेंगे यहां पे भी ट्रांसलेटर चाहिए वी नीड अ ट्रांसलेटर कंप्यूटर नीड ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट high label language to low label language and low label language to high label language. then the system and the user can communicate with each other. who is this translator? दिस ट्रांसलेटर इज ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर वापस आते हैं अपने पास सॉफ्टवेयर आर टू टाइप सॉफ्टवेयर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स system software and second one is application software there are two type of software system software and application software System software work like a translator in between hardware and user. System software these Translator are System software in between Hardware and User. और इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर को आप कहते हो ऑपरेटिंग सिस्टम दीज सिस्टम सॉफ्टवेयर आर ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हीं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को आप ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हो मींस व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम आर वर्क लाइक ब्रिज इन बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर हार्डवेयर और यूजर के बीच में ब्रिज की तरह काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम यूज नहीं किया जा सकता That operating system may be the Linux, may be the Windows, Mac, may be the Mac OS, may be the Solaris, anyone. All these are the operating systems. Cable hardware pe kaam nahi kiya ja sakta. We need a operating system to work on a computer. That's why computer have a two parts, hardware and software. कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज फॉर्मवेयर वो एक अलग चीज है बट द मेन पार्ट है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्लियर अब हम ओएस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में